मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग आईपीएल का टिकट कैसे बुक करें। तो चलिए फिर वीडियो पे बने रहे, आप लोगों को लाइव दिखाते हैं टिकट बुक करके कि आप कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जाना है बुक माई शो पे। उसको ओपन करने के बाद जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा, पहले रजिस्टर कर लीजिएगा मोबाइल नंबर से। उसके ओपन करने के बाद उसमें लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा सिटी से है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारा लोकेशन है, ये आपका मुंबई का है, दिल्ली का है, बेंगलुरु का है। तो जैसे जो भी आप स्टेट से है वहाँ आप सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी हम कोलकाता में, कोलकाता के नियर में रहते हैं, हमको कोलकाता के स्टेडियम जाना है, ईडन गार्डन। तो हम कोलकाता के सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम कोलकाता के सिलेक्ट किए, यहाँ पर देखिए सारा कुछ आ जाता है, कॉमेडी शो, मूवी, ठीक है, या फिर स्पोर्ट का आपको कुछ भी देखना है, जैसे कि आईपीएल का टिकट वगैरह चाहिए तो आप स्पोर्ट पर जाइए। पर स्पोर्ट पे जाने के बाद आपको ऊपर पे शो करेगा, देख सकते हैं 23 तारीख का जो मैच है कोलकाता और हैदराबाद का, वो आपको शो कर रहा है। तो चलिए फिर इसके अंदर जाते हैं। जैसे आप इसके अंदर आइएगा, आपको यहाँ टिकट का प्राइस शो करेगा। मिनिमम का इसका टिकट का प्राइस है 750, जो कि टैक्स वक्स लेके आपका 900 कुछ रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको बुक करते हैं। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को जाना है, अगर अच्छे से मैच देखना है, तो आप थोड़ा महंगा वाला टिकट लीजिए, क्योंकि अगर 750 वाला अगर टिकट आप लेते हैं तो बहुत ही आपको ऊपर से देखना पड़ेगा, आपको उतना खास कुछ नज़र नहीं आएगा। तो कम से कम आप 1500 वाला टिकट लीजिए, थोड़ा आपको नीचे से नज़र देखने का मिलेगा, वो थोड़ा अच्छा नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से डी ब्लॉक जो है सबसे अच्छा यहाँ से व्यू आएगा। तो चलिए डी ब्लॉक का यहाँ पर बुक करते हैं। अभी आप जैसे बुक में क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर होम डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। तो आप अगर बिहार या झारखंड या कहीं से भी है, वहाँ का अगर पिन कोड आप दीजिएगा तो वो लेगा नहीं, क्योंकि इधर क्या है कि आप मतलब कलकत्ता का अगर आपको टिकट चाहिए तो कलकत्ता का ही लोकेशन आपको देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको होम ऑफिस कुछ भी मतलब डाल देना है, कोलकाता में कोई अगर रिलेटिव है तो उसको रिसीव करवा दीजिए टिकट यहाँ से पेमेंट करके, ठीक है, और बुक कर लीजिए यहाँ से। आपका टिकट वहाँ जाएगा, वहाँ पे आपका वो टिकट वहाँ से रिसीव कर लेगा, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, आप आराम से टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको फिल कर लिया, अभी प्रोसेस टू पे पे जाएंगे। अभी कुछ नहीं करना है आपको, बस पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा आपका टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है। टिकट का प्राइस आपका 1500 है, और 88 रुपया आपका एडिशनल चार्ज है, 130 रुपया आपका फी है, टोटल मिला के आपका 1720 रुपया एक टिकट का पड़ रहा है, ठीक है। अभी आप जैसे यहाँ पे कीजिएगा, आपका जीमेल पे जो है ये टिकट चला जाएगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टिकट जो डाउनलोड कीजिएगा वो चलेगा नहीं, आपका जो होम डिलीवरी होगा वो टिकट को लेके आपको जाना है स्टेडियम पर और मैच देखना है। हम पहले भी बुक कर चुके हैं, आप लोग भी बिंदास बुक कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।